अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है बेटा। कल हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो चीज़ें स्टडी की थी कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से मूव करती है, फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा था कि जो सारे के सारे मटीरियल हैं, ऑल मटीरियल जो हैं कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, मटीरियल्स कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, एक चीज़ हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि एटम जो है, जो एटम है, एटम फर्दर कंसिस्ट होता है, फर्दर इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद जो हमने चीज़ डिस्कस की थी, आपने इनके ऊपर चार्ज पढ़ा था कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। अब मैं यहाँ पे जस्ट राइट कर रही हूँ, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये की थी कि जो सेंट्रल पार्ट है एक एटम का, कोई भी एटम है, एन एटम, उसका जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन हम पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसी से शो कर रहे हैं, और उसके जो ऑर्बिट, जो पाथ होता है किसी भी एटम का बाहर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही चीज़ हमने कल डिस्कस की थी ना, तो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के में जो चीज़ें जो उस पाथ पे रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, उनको हम क्या कह रहे हैं, नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, और जो न्यूक्लियस के अंदर हैं उनको हम नाम दे रहे हैं प्रोटॉन का, प्रोटॉन्स होते हैं। ये चीज़ें आपने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, और उसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी इलेक्ट्रिक करंट, कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या चीज़ है, किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको आपको नाम से पता चल रहा है, क्यों कहा गया है कि फ्रीली मूव करते हैं, रैंडम मोशन होती है इनकी, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डायरेक्शन को वन डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, अगर आपने इनको ओनली वन डायरेक्शन मूव करवाना है तो उसके लिए आप जो फोर्स यूज़ कर रहे थे, एक फोर्स जो आपने यूज़ की वो कौन सी यूज़ की आपने? सेल या बैटरी, ऐसे ही है ना। यही चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी, और इलेक्ट्रिक करंट की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? द फ्लो ऑफ, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका फ्लो जो है उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो आपके एक फिगर 7.2 उन्होंने बनाई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने एक सेल यूज़ करना है और उस सेल को यूज़ करते हुए आपने एक सर्किट जो आप बना रहे हैं उसमें आपने क्या करना है, फ़्लो ऑफ करंट जो है, फ़्लो ऑफ चार्ज आपने देखना था। ठीक है, तो उसमें आपने जो चीज़ें यूज़ की, एक वायर थी, सेल था, और उसको आपने चेक करने के लिए कि क्या उसमें से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं या नहीं, वन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए आपने उसके अंदर सेंटर में क्या चीज़ पुट की थी, एक बल्ब पुट किया था, और अगर उस बल्ब ने ग्लो किया है तो इट्स मीन कि उसमें से करंट वाकई ही गुजर रहा है, और अगर करंट बल्ब ने ग्लो नहीं किया, बल्ब नहीं जला, तो इट्स मीन कि वहाँ पे करंट मूव नहीं कर रहा। ठीक है, और कुछ वर्ड आपको मैंने अंडरलाइन करवाए थे एज ए MCQ, आई होप कि आपने वो लर्न कर लिए होंगे। और इन सब के बाद जो लास्ट चीज़ जो हमने डिस्कस इसमें की थी वो एक मीटर के बारे में था, एम मीटर, जो कि एक करंट को फ्लो जो है उसकी अमाउंट बताता है कि कितना करंट एक वायर है उसमें से गुजर रहा है, एक सर्किट जो आपने बनाया हुआ है उसमें से गुजर रहा है। तो ये हमारा कल का टॉपिक था, कल जो हमने स्टडी किया था। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। आज जो चीज़ बेटा हमने डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब आपको ये चीज़ भी कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो आपको पता चल गया कि क्या होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपने पढ़नी है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट और उसके कंपोनेंट्स, कि एक जो सर्किट है वो किस तरह से काम करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और वो किस तरह से करंट को फ्लो करने में हेल्प आउट करता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट लेक्चर की तरफ, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, तो इसमें आपने दो चीज़ें आज डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट्स के साथ एस भी आएगा। अब से पहले तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट को देखते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। ठीक है, ये आपने 4th class में डेफिनेशन भी पढ़ी है इलेक्ट्रिकल सर्किट की, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जगह आप इलेक्ट्रिसिटी भी राइट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या राइट किया है, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, के ऐसा रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजरता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पेज नंबर 82 के ऊपर एक फिगर बनी हुई है, फिगर में उन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको प्रॉपर बना के दिखाया हुआ है, लेकिन उस तक उसको देखने से पहले आप देखें कि उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है अब उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर जो चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए वो कौन कौन सी हैं। कंपोनेंट्स इसमें आपको कौन कौन से चाहिए, जो मटेरियल है आपने यूज़ करना है, वायर, ठीक है, बैटरी और सेल, इन दोनों में से एक चीज़ ही आप यूज़ कर पाते होते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ आप यूज़ नहीं कर पाते, बल्ब, ठीक है, जिसको आपने टेस्ट के लिए यूज़ करना है कि हम ग्लो हो रहा है या नहीं ग्लो हो रहा, उसके अलावा कीज और स्विचेस,
कीज और स्विचेस जो है ये जो बटन होते हैं उसको नाम दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने कनेक्टिंग वायर बल्ब या आपके पास क्या आगे कंपोनेंट होते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ये मटेरियल आपको चाहिए होता है, ठीक है। अब इनके साथ आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, इनको आपस में कंबाइन करना है, अटैच करना है एक दूसरे के साथ, और अटैच करने के बाद आप जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से करेक्टली फ्लो करेगा तो इट्स मीन कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो ठीक बना है, सही काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने एक ये भी चीज़ हमने फोर्थ क्लास में डिस्कस की थी कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट नीड्स कंप्लीट पाथ, कंप्लीट पाथ टू फ्लो, कि उसे गुजरने के लिए एक क्या रास्ता चाहिए, उसको एक कंप्लीट पाथ चाहिए। अब कंप्लीट पाथ का क्या मतलब है कि जैसे आपके सामने अगर ये एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, कंप्लीट सर्किट आपने बनाया, इसके अंदर आपने एक सेल यूज़ किया। अब आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है एक सेल के साइड पे, ठीक है। जो वायर आपने अटैच की वो ये जा रही है, ठीक है, और करंट फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये मैं एरो बना रही हूँ जिस साइड पे करंट फ्लो कर रहा है। बैटरी, वायर, और आपको इसके साथ क्या चाहिए, बल्ब होल्डर जिसमें आपने एक बल्ब को अटैच करना है। ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इट्स मीन कि ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक कंप्लीट सर्किट बन गया है, ठीक है। अगर कंप्लीट सर्किट किस तरह, कंप्लीट पाथ किस तरह से आपको कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं है, यहाँ से अगर वायर ये टूटी हुई है, वायर में कोई प्रॉब्लम है, अटैच नहीं है, कनेक्ट नहीं सही से हुई, तो ये जो आपके पास सर्किट अब सामने आ रहा है, यहाँ से ब्रेकेज आ रही है वायर में, तो इट्स मीन कि ये कंप्लीट पाथ नहीं है, करंट जो है इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में से। लेकिन अगर यही कंप्लीट पाथ किस तरह से होगा, अगर ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करंट फ्लो करेगा और ये एक कंप्लीट सर्किट कहलाता है, ठीक है। अब जब आप इसमें से इलेक्ट्रिकल इन चीज़ों को आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद आपने इसमें से जब करंट बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, तो इट्स मीन कि ये क्या है, एक कंप्लीट सर्किट बन गया है। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो आपके पास आया है वो कंप्लीट है और उसमें से करंट जो है वो कम्प्लीटली फ्लो कर रहा है। आपकी नेक्स्ट पेज जो देखें, पेज नंबर 7.4, ये मैं आपके सामने पिक्चर कर रही हूँ, ठीक है। 7.4 फिगर है इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें उन्होंने बल्ब होल्डर यूज़ किया है, ये की या स्विच जो बनाया है वो है, और ये सेल है, इनको आपस में उन्होंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इसको टेस्ट के लिए उन्होंने क्या कहा है कि आप इसको ग्लो करेंगे, जब बटन को हम जलाएंगे, की को ऑन करेंगे, तो करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। और इस साइड पे उन्होंने आपके सामने 7.5 में कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाए हुए हैं, स्विच या की दिखाया है, वायर है, बल्ब है और सेल है। जो सेल है उसकी एक साइड पे उन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज भी आपको शो किए हैं, ये हर सेल में ऐसा ही होता है, ठीक है। करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। उसके बाद जो एक्टिविटी है यहाँ पे, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब पहले हम इस जितना हमने स्टडी किया है, जितना हमने अभी डिस्कस किया है, इसको थोड़ा एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 81। तो ये आपके बेटा बुक पेज नंबर 81 है, 7.2 हमारा आज का टॉपिक है जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस वर्क में आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को अंडरलाइन कर लेना है, ये आपका MCQ वर्ड भी है, और जैसे कि आपको बुक के ऊपर, मेरी बुक के ऊपर निशान लगा हुआ नज़र आ रहा है, मैंने मार्क किया हुआ है 7.4, इट्स मीन कि ये आपके
शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। तो ये डेफिनेशन आपने लर्न कर लेनी है बुक से ही, ठीक है। तो इसको हम नोटबुक पे बाद में राइट करेंगे। द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि ऐसा रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। फिगर 7.4 में उन्होंने आपको ये दिखाया है, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल टू द अदर एंड थ्रू अ वायर। अब कह रहे हैं कि एक वायर के जरिए इलेक्ट्रिक करंट जो है एक सिरे से एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। कनेक्टिंग वायर्स बल्ब्स कीज और स्विचेस बैटरी सेल आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब जिस फिगर में उन्होंने आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दिखाए हैं सर्किट के, वो आपको फिगर 7.5 है, ठीक है। उसमें क्या कह रहे हैं कि एक कनेक्टिंग वायर आपको चाहिए, बल्ब चाहिए, कीज और स्विचेस या बैटरी और सेल्स आपको रिक्वायर होते हैं एक कंप्लीट सर्किट को बनाने के लिए, ठीक है। ये अभी हम आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट आपको मैं ये पिक्चर्स भी शो करवाती हूँ। वी ऑब्जर्व दैट, कि आप कह रहे हैं कि इस बात से आप कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दैट अ कंप्लीट और क्लोज्ड सर्किट। अब जो कंप्लीट सर्किट है उसका एक और नाम क्या है, क्लोज्ड सर्किट, इज नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक रन टू फ्लो। कि एक कंप्लीट रास्ता, उसको कंप्लीट सर्किट चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए। जैसा आपको मैंने फिगर में बना के भी बताया कि अगर कोई इसमें ब्रेकेज हो या कुछ भी ऐसा मसला हो तो करंट उसमें से फ्लो नहीं करेगा। व्हेन द करंट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जब करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर से गुजरता है, सच एज बल्ब, कि कोई भी बल्ब आपने अगर वहाँ पर टेस्ट के लिए लगाया हुआ है, इट ग्लोज अप, ये क्या करेगा, जलेगा। After passing through the bulb, जब करंट बल्ब में से गुजरेगा, the electrical current enters the battery, फिर वो किस में जाके दोबारा आगे जाते हैं, करंट बल्ब में से गुजरेगा, बल्ब में से गुजर के दोबारा से वापस बैटरी में जा रहा है एट इट्स नेगेटिव एंड। ये चीज़ आपने कल भी डिस्कस की थी, फ्लो ऑफ चार्ज जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ये आपको 7.2 फिगर भी नज़र आ रही है। उसमें क्या है कि करंट पॉजिटिव चार्ज से मूव किया, बल्ब तक आया, बल्ब ग्लो किया और फिर इधर से रिमूव करके फ्लो होता हुआ कहाँ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यही चीज़ वो कह रही है आपको कि नेक्स्ट जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट है वो बल्ब में से होता हुआ उसके नेगेटिव एंड की तरफ जाता है, नेगेटिव एंड तक जाता है, ठीक है। तो आप बुक का पेज नंबर 82 आप देखें, ये 7.4 आपके सामने फिगर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। इसमें एक की बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, बल्ब होल्डर है, वायर है, सेल है, ठीक है। जब आप इस कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, की जब आप ऑन करेंगे तो जो करंट है, जिस साइड से करंट आ रहा होता है हमेशा वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इट्स मीन कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, करंट यहाँ से आया, बल्ब यहाँ पे है तो वो ग्लो करेगा, बल्ब ने ग्लो किया और ग्लो करके वापस आगे जो ये वाली वायर आपको नज़र आ रही है, इट्स मीन कि ये वापस दोबारा से बैटरी में जा रही है या सेल में जाके अटैच है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद उन्होंने 7.5 है उसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट बताए हैं, स्विच, ठीक है, ये वायर है जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, ये बल्ब है, बल्ब होल्डर और बल्ब दोनों, बल्ब अंदर लगाया हुआ है बल्ब होल्डर के, और ये सेल है, सेल के एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है। इट्स मीन कि करंट जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, और हमने जब इसको अटैच करना है तब भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड है उसको हमने किस साइड पर लगाना है, ठीक है। तो अभी हमने आज जो डिस्कस किए हैं, हमारे टॉपिक जो था वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसमें आपको जो वर्ड अंडरलाइन करवाए हैं वो आपने लर्न करने हैं, और जो एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको आपने लर्न करना है। तो अब आप सब बच्चे अपनी डायरी निकालें और डायरी राइट करनी है सबने, ठीक है। तो बेटा डायरी आपने निकाल ली है सबने, अब अपनी डायरी रेडी कर लें, ऊपर डेट एंड डे आपने लाजमी मेंशन करना है। आपको पता है कि आज डेट 10 दिसंबर है और डे हमारा थर्सडे है, तो चलें अब डायरी राइट करते हैं। डायरी में मैं आपको आज
डेफिनेशंस भी टू दे रही हूँ, ठीक है। एक हमने कल पढ़ी थी और एक हमने आज स्टडी की है, तो उसको आपने करना है लाजमी, ठीक है। साइंस यूनिट नंबर 7, ठीक है। पहले तो आपने इसकी रीडिंग करनी है, रीडिंग प्लस लर्न। अब जो चीज़ लर्न करनी है वो आपने क्या करनी है, डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। ये टू डेफिनेशंस हैं जो आपने लर्न करनी है, राइट बिल्कुल भी नहीं करनी है अभी नोटबुक के ऊपर। जब राइट करनी है तो मैं आपको खुद वाइट बोर्ड के ऊपर वर्क करवाऊंगी, उसके बाद हमने ये वर्क राइट करने हैं। एक दफ़ा दोबारा से अपनी डायरी को गौर से समझ लें कि आपने रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 7। रीडिंग मीन जो वर्क आपने आज जो पेज आपने रीड किया है 81, ठीक है। उसके बाद आपने जो चीज़ लर्न करनी है वो है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।